जय माता दी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। इस व्रत को करने से भक्तों की समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है, समस्त प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है। प्रदोष का व्रत समस्त प्रकार के दोषों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत होता है, पापों से कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत होता है। कोई भी आपकी कामना हो, अगर आप प्रदोष का व्रत करें तो शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना जब प्रदोष काल में प्रदोष व्रत के दिन की जाती है तो हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान मिल जाता है, हमारे जीवन की समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है, विवाह में बाधा हो रही है या फिर आप कर्ज से परेशान हैं, आपको प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। अगर आप मानसिक रूप से बहुत अशांत हैं, चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित है या फिर आप शनि की 7.5 ढैया से परेशान हैं, शनि के अशुभ दोषों से परेशान हैं या फिर किसी भी प्रकार से आपकी जन्म कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव इस तरह का बना हुआ है कि आप अपने पारिवारिक जीवन में, आर्थिक जीवन में बहुत परेशान हैं, तो आपको प्रदोष का व्रत करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की आराधना से आपके समस्त प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति मिलती है, समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष का व्रत कब है और तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, आज के दिन की पूजा विधि क्या है, आज के दिन के प्रदोष व्रत का क्या महत्व है, आज हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि इस व्रत का हमें पूर्ण फल प्राप्त हो। जो भी हमारे मन में कामना है, जिस भी कामना से हम ये व्रत कर रहे हैं, वो कामना हमारी बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो, इसके लिए हमें आज क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। बात करें प्रदोष के व्रत के बारे में, तो प्रदोष का व्रत अगर विधि पूर्वक किया जाए, नियम पूर्वक किया जाए, तो भगवान शिव बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है ये व्रत। इसलिए जब हम इस व्रत को करते हैं, नियम पूर्वक करते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, माँ पार्वती की पूजा करते हैं, तो हमारे जीवन की हर समस्या भगवान शिव स्वयं ही दूर करते हैं, हर मनोकामना हमारी पूर्ण हो जाती है अगर हम विधि विधान से शिव पार्वती की आज के दिन पूजा करते हैं। इस बार क्योंकि शनि प्रदोष है तो शनिवार के दिन जब भी प्रदोष का व्रत आता है उसे शनि प्रदोष कहा जाता है और शनि प्रदोष का बहुत अधिक महत्व है, खासकर तब जब आप शनि की किसी भी प्रकार की 7.5 से, ढैया से या उनके कोई शनि दोष है आपकी जन्म कुंडली में जिसकी वजह से आप परेशान हैं, तो शनि प्रदोष का व्रत जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। आपको आज के दिन पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए, भगवान शिव की भी और शनिदेव की भी जरूर पूजा करनी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको आज चाहिए कि आप भगवान शिव की पूजा करें, अभिषेक करें, आज के दिन आप शनि देव की भी पूजा करें, इससे आपको शनि दोषों से मुक्ति मिलेगी और 7.5 में अगर आप परेशान हैं या ढैया से परेशान हैं तो इससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। मानसिक रूप से आप अशांत हैं तो आपको आज भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए, शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। शनि प्रदोष का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि शनिदेव जो है भगवान शिव के भक्त हैं, शनि देव ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी, तो जब आज के दिन हम भगवान शिव की पूजा करते हैं और उनके साथ ही शनि देव की पूजा करते हैं तो शनि देव बहुत प्रसन्न होते हैं जब आज के दिन शिवलिंग का अभिषेक करते हैं भक्त, तो और शीघ्र ही जो उनका दुष्प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। तो आज के दिन हमें विधि विधान से भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए। किस तरह से आज पूजा करें, पूजा की विधि क्या है, दोस्तों ये जो प्रदोष का व्रत होता है इसमें सुबह और शाम दोनों समय पूजा की जाती है। जैसे सुबह के समय हम स्नान इत्यादि करने के बाद और सुबह सर्वप्रथम आपको अपने घर में भी भगवान शिव की पूजा करनी है और संभव हो तो मंदिर जरूर चले जाएं, अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहां जाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। शिवलिंग की पूजा का बहुत अधिक महत्व है मंदिर में जाकर अगर आप करते हैं तो अगर संभव हो तो मंदिर जरूर जाएं, नहीं तो अपने घर में भी अगर आपके शिवलिंग है तो उसकी पूजा कर लीजिए या फिर भगवान शिव और माँ पार्वती की अगर कोई तस्वीर है तो उसे विराजित कीजिए आप एक चौकी पर। चौकी पर आपको पीला या लाल वस्त्र बिछाना है या फिर आप सफेद वस्त्र भी बिछा सकते हैं और इस पर ही भगवान शिव पार्वती की आप सपरिवार जो उनकी तस्वीर होती है उसे स्थापित कीजिए और पूजा कीजिए विधि विधान से। सुबह ही आपको व्रत का संकल्प लेना होता है कि आप ये व्रत क्यों कर रहे हैं, कोई कामना आपकी हो तो कामना विशेष के लिए आप भगवान शिव के सामने संकल्प ले लीजिए कि आप इस कामना से ये व्रत कर रहे हैं, निर्जल व्रत कर रहे हैं या फलाहार के साथ कर रहे हैं, ये भी आपको संकल्प में बोल लेना चाहिए क्योंकि ये व्रत बहुत से भक्त निर्जल भी करते हैं।
और कुछ भक्त इसको फलाहार के साथ भी करते हैं। तो जैसे आपकी शारीरिक क्षमता हो उस हिसाब से इस व्रत को करना चाहिए। बेसिक यह है कि हमें भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है, पूजा करनी है, पूरे समय उनके मंत्रों के जप करने हैं और भगवान शिव के चरणों में ही हमारा ध्यान रहना है। बाकी फलाहार या निर्जल ये आप अपनी शारीरिक क्षमता पर ही निर्धारित कीजिए। इस तरह से आपको सुबह पूजा करना है और व्रत का संकल्प लेना है। सुबह के समय भी भगवान शिव की पूजा में आपको उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करनी है, जैसे धतूरा अर्पित करें, भांग अर्पित करें, बिल्व पत्र मिल जाए तो बिल्व पत्र अर्पित करें, पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें या फिर आप कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं, जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो। अगर आपके पास दूध और पंचामृत ना हो तो आप सिर्फ जल से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, गंगा जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। यथा संभव भगवान शिव की पूजा कीजिए, श्रद्धा पूरी होनी चाहिए, सामग्री चाहे बेशक आपके पास कम हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। शाम के समय फिर से प्रदोष काल में पूजा की जाती है। प्रदोष काल का समय शाम का समय होता है, जो सूर्यास्त के पहले से और बाद का जो थोड़ा सा समय होता है, 1 घंटे पहले से लेकर 1 घंटे बाद का, ये प्रदोष काल का समय होता है। तो इस समय में पूजा की जाती है शाम के समय। फिर से आप भगवान शिव की मूर्ति या प्रतिमा जो आपने स्थापित की है वहीं पर आप आसन बिछाकर बैठ जाइए और आपको भगवान शिव का विधिवत अभिषेक करना है, पूजा करना है, उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करनी है, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करना है और आपको विधि विधान से उनकी पूजा करनी है। सफेद फूल भगवान शिव को प्रिय है तो सफेद फूल जरूर भगवान शिव को अर्पित कीजिए। नैवेद्य में आप सफेद मिठाई अर्पित कर सकते हैं, आप खीर बनाकर भगवान शिव का अभिषेक भी कर सकते हैं और उनको भोग स्वरूप भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से पूजा की जाती है। कुछ भक्त शाम के समय ही अन्न ग्रहण कर लेते हैं, तो आप मीठा अन्न ग्रहण करते हैं तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन कुछ भक्त अगले दिन यानी कि त्रयोदशी तिथि पूरे दिन पूरी रात्रि रहने के बाद अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं, तो उस समय सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे भी आपने इस व्रत का शुरुआत किया है, जैसे पहले व्रत से आप कर रहे हैं, वैसे ही आपको हर व्रत करना होता है, इसी तरह से आप इस व्रत को करेंगे। शनि प्रदोष है और आप जानते हैं कि तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 अप्रैल की शाम को 7:17 से और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 25 अप्रैल दोपहर 4:12 पर। प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त है 24 अप्रैल की शाम को 7:17 से रात में 9:03 तक। तो इस समय में आपको पूजा करनी है भगवान शिव की और इसी समय में शाम की जो प्रदोष काल की पूजा है वो इसी समय में करनी है। अभिषेक या फिर आप जो भी पूजा करते हैं विधि विधान से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए। आज के दिन आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं। यथासंभव जितना आपसे संभव हो 1 माला 11 माला 21 माला अधिक से अधिक मंत्रों का जाप, अधिक से अधिक भगवान शिव की कृपा हमें दिलाता है। तो भगवान शिव के मंत्रों का विधिवत आज जप करना चाहिए। हमने व्रत किया है तो इस व्रत का हमें पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब हम अपने इष्ट की आराधना पूरे विधि विधान से करते हैं। तो इसी तरह से हमें पूजा करनी है, भगवान शिव का अभिषेक करना है। आज के दिन आपको विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा के साथ ही शनिदेव की भी पूजा करनी है। तो आज आपको चाहिए कि आप शनिदेव के मंदिर में संभव हो तो चले जाएं, वहां जाकर आप तेल अर्पित करें सरसों का। आज के दिन पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए क्योंकि शनि प्रदोष है। पीपल की पूजा से समस्त प्रकार के शनि दोषों से भी मुक्ति मिलती है, पितरों की भी कृपा मिलती है, सुख समृद्धि में भी आपकी वृद्धि होती है, मतलब आपकी हर कामना पूर्ण हो जाती है। पीपल की पूजा अगर प्रदोष व्रत भी है और शनि प्रदोष है, बहुत शुभ संयोग है ये कि पीपल की पूजा से आपकी हर कामना पूर्ण होगी। तो कैसे करना है आपको, प्रातःकाल उठकर आपको पीपल की पूजा करनी है। पीपल में जल अर्पित करें और मीठा जल अर्पित करें, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा जल भगवान शिव को, भगवान शनिदेव को याद करते हुए और आपको पीपल में अर्पित करना है। वृक्ष को स्पर्श करें, पीपल के वृक्ष को स्पर्श करके आप ओम नमः शिवाय का अगर 108 बार जप कर लेते हैं आज के दिन तो शनि दोषों से मुक्ति मिलती है, पितरों की कृपा मिलती है और शनिदेव की कृपा से, पितरों की कृपा से आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे आज सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इससे आपके आयु में वृद्धि होती है, धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, मानसिक शांति भी मिलती है, तो बहुत शुभ फल मिलता है अगर सुंदरकांड का पाठ आज के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे किया जाए तो। कर्जों से मुक्ति मिल जाती है, कर्जे से आप परेशान हैं तो आपको आज के दिन जरूर पीपल के नीचे बैठकर
और सुंदरकांड या फिर आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। तो इससे आपको अगर पैसे की प्रॉब्लम है, जैसे कि धन संबंधी समस्याएं हैं, तो इससे मुक्ति मिलेगी, रोगों से भी मुक्ति मिलती है, बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है आज के दिन पीपल की पूजा से। तो पीपल की पूजा आपको जरूर करनी है आज, और आज के दिन आप दान क्या करें, दोस्तों शनि प्रदोष है, दान का भी विशेष महत्व है। तो आज के दिन आप काले जूते का दान कर सकते हैं, काले कपड़ों का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल या फिर तिल के तेल का भी दान कर सकते हैं, काली उड़द का दान करना चाहिए, और इससे शनि की साढ़े साती या ढैया का अशुभ प्रभाव अगर आपके ऊपर है तो कम होता है। शनि की साढ़े साती और ढैया का अशुभ प्रभाव अगर कम हो जाएगा तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। शनि प्रदोष से जुड़ी हुई ये विशेष जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।